आपको फोकस तो डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ता है और एंड्योर आपको करना पड़ता है। जहाँ तक मेहनत की बात है तो प्रैक्टिस से अलावा आई बिलीव मेंटल स्ट्रेंथ का ये ज़्यादा एक इम्तिहान है, बिकॉज टाइम भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एट द एंड ऑफ द डे। जहाँ पर एक बच्चा अगर 8 महीने लगा रहा है एक सर्टन पोजिशन हासिल करने के लिए, वहाँ पर एक लड़का 5 मंथ्स लगा कर भी कर सकता है। जिस तरह मेरा केस है, आई स्टडीड फॉर अबाउट 5 मंथ्स फॉर दिस एग्ज़ाम, और 5 मंथ्स की फोकस स्टडी के साथ साथ बिल्कुल आप कह सकते हैं अगर मैं टाइम ज़्यादा देता तो ज़्यादा बेहतर भी हो सकता था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया जाए उतना ही कम है। सो हैविंग सेड दैट, बिल्कुल सी एस एस के लिए आपको फोकस की ज़रूरत है, कुछ घंटे देने की भी ज़रूरत है, बट आई बिलीव अगर आप डेली टारगेट सेट करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएँ, तो इवन इन 5 मंथ्स यू कैन ईजिली अचीव इवन मोर देन वट आई हैव। इट्स ऑब्वियसली वेरी टफ बिकॉज आउट ऑफ नो वेयर आपको एक सर्टन डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करना पड़ता है, और जब आप एक डिसिप्लिन एम्ब्रेस करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। बेशक अपना सोशल जो आपका सर्कल है उसको आपको ऑब्वियसली बात है यू हैव टू एट टाइम्स कॉल इट ऑफ, एंड एट टाइम्स आपको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है, एलिनेट भी आप अपने आप को आपको करना पड़ता है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे लुकिंग बैक एट दिस जर्नी, इवन दो बहुत टमल्चुअस सी जर्नी थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं, और आपको लाइक इस तरह लग रहा होता है कि यू नो आपके इर्द गिर्द आपके पीयर्स यू नो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, बट परसिवियरेंस स्ट्रगल एंड पेशेंस आई बिलीव ये तीनों अगर आपके पास हैं सो स्काई इज द लिमिट। 2 साल अपने इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ के, सो यू वॉन्ट टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एट द एंड ऑफ द डे। तो लिहाजा बिल्कुल अगर आपने एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर्स की डिग्री है या अगर आपकी बैचलर्स है स्पेशलाइजेशन है तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप वो सब्जेक्ट रखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर भी कॉग्निजेंट होना चाहिए कि किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं और स्कोरिंग पैटर्न्स भी क्या हैं। तो बिल्कुल इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए यू नो डिफरेंट स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी से ही उठ कर आते हैं बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर आप रिज़ल्ट की लिस्ट भी देखें तो जो एलीट क्लास इकनॉमली मेंटालिटी है कि उनकी ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड है और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल गलत है। अगर आप रिज़ल्ट देखें तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन है हमारे रिज़ल्ट में भी, लोग खैबर से भी आए हैं, लोग बलूचिस्तान से भी आए हैं, लोग फाटा से भी आए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर तो एजुकेशन स्टैंडर्ड ना ही पंजाब के बराबर है, ना ही वहाँ पर शायद फैसिलिटीज़ उस तरह की हैं, बट ये एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत और आपकी परसिवियरेंस पर आ जाता है। इफ़ यू आर कमिटेड टू इट यू कैन डू इट। हाँ, इट डज कॉल फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और गाइडेंस भी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है।